कैथल के विधायक लीला राम गुजर ने शनिवार को वाल्मीकि चौक से रोड बाईपास तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत की। 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह आरसीसी सड़क 25 फुट चौड़ी होगी। सड़क के सौंदर्यकरण के लिए लाइटिंग और पौधों की भी व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए लीला राम गुजर ने आने वाले कुछ महीनों में कैथल के विकास की कई योजनाओं की शुरुआत का भरोसा दिया। लीला राम गुजर ने कैथल में मेडिकल कॉलेज खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात होने का दावा भी किया। आइए विधायक लीला राम गुजर की बात सुन लेते हैं। जैसे कि धर्मेंद्र बोला जी हमारे पूर्व एमसी भी हैं और आजकल उनकी श्रीमती जी एमसी है, निशा जी का एमसी है, कुलदीप सैनी जी एमसी है, उन्होंने उसमें वर्डिंग भी लिखी है कैथल शहर में विकास की शुरुआत। इस सड़क पर हम 65-70 लाख के लगभग खर्चा आएगा। इस पर एक अलग से हट करके सड़क बनाएंगे जिस पर लाइटिंग का पौधारोपण का सारा काम होगा और हमें हमारे नगर पालिका काउंसलर साथियों के भरोसे, हमारे अधिकारियों के भरोसे हमें विश्वास है कि हम कैथल शहर में आने वाले 2-3 महीने में ही बहुत कुछ करके दिखाएंगे। शहरवासी हल्के के लोग ये कहेंगे कि विकास कार्य हुए हैं। विधायक जी ये पहले ही सिर्फ सारे एमसी हमारे साथ थे, हमारे एमई साथ थे, ईओ साथ थे, इसका भी हमने ये कह दिया कि इसको बिना नाली की सड़क बनाएं सीवरेज व्यवस्था से, इसको भी बहुत जल्दी बारिश के सीजन से पहले ही बना करके तैयार कर दें। मैंने कहा ना, मैंने सीएम साहब से, मैं और धर्मवीर बोला जी साथ थे, हमने सीएम साहब से बैठ करके डिस्कशन किया था और सीएम साहब ने बहुत पॉजिटिव व्यवहार करके ये कहा कि हम मल्टीपल पार्किंग को सिटी बैंक स्क्वायर के बारे में, और मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा, मैंने मुख्यमंत्री जी से कैथल में मेडिकल कॉलेज की भी बात की है, उस पर भी उन्होंने बहुत पॉजिटिव जवाब दिया है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कैथल की तरफ विशेष, मैं कह रहा हूँ विशेष ध्यान देंगे। सर आज दिवाली जैसा माहौल था, लोगों को चाव था, उन्होंने वोट दे करके मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को विधानसभा में भेजने का काम किया। वहाँ पर सैकड़ों संख्या में व्यापारी भाई इकट्ठे थे और उनकी कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी। उनकी एक समस्या थी 342 लाइसेंस है जिसमें थोड़ी कोई पेचीदगी है नवीनीकरण का, वो भी इतफाक कह ले, किस्मत कह ले या उनका हमारा सौभाग्य कह लीजिए, 8 दिन पहले ही उनका सरकार ने नवीनीकरण भी कर दिया है। और मैं उनको ये विश्वास भी दिला करके आया हूँ कि हम आपकी इसकी समस्या का जड़ से ही निदान करेंगे, जो बार बार नवीनीकरण ना करवाना पड़े। सर शहर जी जी, हम अभी काफ़ी नए जितने हर रोज मीटिंग हो जाती है, जैसे पिछले 2 दिन चंडीगढ़ थे, कल रोहतक थे, आने वाले 20, 21, 22 का फिर सेशन है, 23 को फिर मेरी नरवाना ड्यूटी है, इसकी वजह से थोड़ा डिले है, व्यवस्था में थोड़ा टाइम लगता है, नया नया काम है। हम आने वाले, मैंने पहले भी कहा था, आने वाले 3-4 महीने में हम कैथल शहर में भी अलग से हट करके विकास कार्य करवाएंगे और सभी एमसी भी उसमें पूरा सहयोग कोऑपरेशन दे रहे हैं और रुचि ले रहे हैं वो अपने कामों में। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लीला राम गुजर के काम करने के तरीके के संबंध में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।